हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं क्लास फिफ्थ का यूनिट वन आइसक्रीम मैन के क्वेश्चन आंसर्स की अलग से वीडियो बनाऊंगी, सो मैंने वो वीडियो बना ली है। तो और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में इसको अच्छे से समझा भी दिया था, एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। अगर आपको ना समझ आए तो आप इसकी पहली वीडियो भी देख सकते हो। तो लेट स्टार्ट, मैं यहाँ से अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करती हूँ। पहला हमारा रीडिंग इज फन का क्वेश्चन आंसर्स है, एक मिनट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीज़न इज आइसक्रीम पॉपुलर, कौन से सीज़न में आइसक्रीम ज़्यादा पॉपुलर है, मशहूर है। तो आपको पता ही होगा कि हम आइसक्रीम कब खाते हैं और आइसक्रीम कब आती है, तो ठंडियों में या सॉरी गर्मियों में आती है। तो आप सबको तो पता ही है कि सभी को आइसक्रीम अच्छी लगती है और वो हम गर्मी में ही खा सकते, क्योंकि ठंडियों के मौसम में तो ठंडी चीज़ तो हमें खाई नहीं जाती। इसलिए तो इसका आंसर है, आइसक्रीम इज़ पॉपुलर इन समर सीज़न, हमारी जो आइसक्रीम होती है वो पॉपुलर है समर सीज़न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, कौन बहुत ही जॉयफुल फील करता है जब आइसक्रीम मैन को देखते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि बच्चे ही होते होंगे खुश। तो इसका आंसर है, चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, जो चिल्ड्रन हैं वो फील करते हैं जॉयफुल जब वो आइसक्रीम मैन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट, हमें डिफरेंट फ्लेवर्स बताने हैं आइसक्रीम के जो कि आइसक्रीम मैन के कार्ट में थे। तो हमने जहाँ तक पोएम पढ़ी है, समझाई भी थी मैंने, तो उसमें हमें तीन फ्लेवर्स बताए थे, वो है वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी आर द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। यहाँ पे बच्चों आपको ना एंड भी लिखना होगा, यहाँ पे आपको एंड भी लिखना होगा, क्योंकि हमें तीन ही फ्लेवर्स बताए थे। तो आपको जहाँ तक पता होगा और आपने पंक्चुएशन भी पढ़ा होगा तो उसमें बता के रखा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चीज़ के बारे में हम बहुत सारी चीज़ों में पढ़ेंगे तो हमें पता है कि अगर एक ही चीज़ के बारे में हम बार बार बात करें तो हम कॉमा लगाते, लेकिन अगर वहीं पे आखिरी बात हो तब हम एंड लगाते। तो सो वैनिला कॉमा चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी आर द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन इन हिज कार्ट। ओके, आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टू थिंग्स डेट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग, कौन सी दो चीज़ें थी जो आइसक्रीम मैन सेल कर रहा था, मतलब बेच रहा था। तो वो एक आइसक्रीम बेच रहा था और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और ठंडी चीज़ें बेच रहा था पीने के लिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं आंसर, आइसक्रीम एंड चिली थिंग्स टू ड्रिंक आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। तो ये हमारा फोर्थ का आंसर, हम फिफ्थ में जाते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम, कि जो आइसक्रीम जो कार्ट थी आइसक्रीम मैन की, उसे पोएम में जो पोएट है, पोएट मतलब उस जिसने वो लिखा है कवि, उसे इस पोएम को किससे कंपेयर किया, उसकी आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर किया है। तो उसके मैंने पोएम में भी बताया कि उसकी आइसक्रीम कार्ट को कंपेयर किया है फ्लावर बेड जो कि रोजेस की तरह और मीठे मटर की तरह। तो इसका आंसर है, द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर टू बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीज इन द पोएम। इसके बाद हम करेंगे लेट्स राइट में हमारा क्वेश्चन है, हैविंग एन आइसक्रीम ऑन हॉट समर डेज इज राइट एंड इन्जॉयबल, जब हम आइसक्रीम लेते हैं हॉट समर डे, मतलब बहुत गर्मी के दिन में, तो हम बहुत ही एक्साइटमेंट हो जाते हैं, इन्जॉयबल हो जाते हैं। तो इसी पे एक क्वेश्चन देख के रखा है हमें,
राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल थिंग्स डेट वन कैन डू इन द विंटर सीजन क्वेश्चन है, बोल रहे कि हमें कुछ ऐसी एक्साइटिंग और इंजॉयबल थिंग्स बतानी है जो कि हम विंटर सीजन में करते हैं। तो इसका आंसर है उसमें 6 डैश देख रखे थे तो मैंने भी 6 ही लिखे हैं। पहला लिख सकते हैं हम ड्रिंक हॉट कॉफ़ी एंड टी, हम ठंडियों के सीज़न में गरम गरम कॉफ़ी और चाय पीते हैं। स्पेंड टाइम विद फैमिली, ठंडियों के सीज़न में ज़्यादातर लोग बाहर भी नहीं जाते तो हमारा टाइम ज़्यादातर हमारी फैमिली के साथ बीतता है। वियरिंग ब्यूटीफुल वुलन कैप, और हम सुंदर ऊन के बने हुए कैप भी पहनते हैं। वियरिंग स्वेटर भी पहनते हैं। मेकिंग स्नोमैन, जब स्नो गिरती है तो हम स्नोमैन भी बनाते हैं। प्लेइंग इंडोर गेम, और ठंडी के समय तो कोई बाहर खेलता ही नहीं है तो इंडोर गेम्स मतलब अंदर, हम जो हम घर के अंदर खेलते हैं तो हम तो उसमें हम कह सकते हैं कि प्लेइंग इंडोर गेम के हम घर में रहने वाले गेम खेलते हैं। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर हम जाते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है लेट्स राइट का सेकंड, इसमें बोला है लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। बोला है कि हमें कुछ ऐसे समर के एक्टिविटीज़ बताने हैं जो कि हम करते हैं मतलब गर्मियों के सीज़न में। यहाँ पे एक पिक्चर दे के रखी है कि एक बच्चा स्विमिंग कर रहा है, आप देख सकते हैं। ठंडियों में तो हम पानी को और भी ज़्यादा पसंद करते हैं, ठंडे पानी को। गर्मियों में सभी को ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बेस पे मैंने 7 एक्टिविटीज़ दे दिए। अगर आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं। पहला मैंने दिया है स्विमिंग, दूसरा दिया है गोइंग फॉर पिकनिक, तीसरा दिया है ईटिंग आइसक्रीम, चौथा दिया है वियरिंग कॉटन क्लोथ्स, पाँचवा दिया है ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, छवा दिया है प्लेइंग लूडो, और सातवा दिया है प्लेइंग कैरम एसेक्ट्रा। सेक्ट्रा का मतलब कि इससे भी और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, तो मैंने इसमें 7 दिए। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। पहला है हमारा स्विमिंग, स्विमिंग पता ही है, जैसे ये लड़का तैर रहा है पानी में। गोइंग फॉर पिकनिक, हम गर्मियों में घूमने जाते हैं पिकनिक के लिए। आइसक्रीम खाते हैं, ईटिंग आइसक्रीम। वियरिंग कॉटन क्लोथ्स, हम सूती का कपड़े पहनते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे। ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडे जूस वगैरह पीते हैं। प्लेइंग लूडो भी खेलते हैं, कैरम भी खेलते हैं एसेट्रा। और एज यू बीज, आपको जो भी करना है कर सकते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है 3rd, नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज इन टू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज। अब हमने ये जो ये सारी एक्टिविटीज़ की हैं इसे हमें इंडोर और आउटडोर में करना है। तो मैंने इसमें ज़्यादातर आउटडोर के लिखे हैं, तो मैंने वैसे इसमें 2 डैश देकर रखे थे तो इसलिए मैंने 2-2 करके दिए हैं। तो इसका पहला इंडोर मैंने लिख दिया, एक आउटडोर लिख दिया। इंडोर में मैंने दिया प्लेइंग लूडो एंड कैरम, और आउटडोर में मैंने दिया है स्विमिंग एंड गोइंग फॉर पिकनिक। सो दिस इज आवर ये हमारा यूनिट 1 का आइसक्रीम मैन के क्वेश्चन आंसर्स थे। तो ये इस वीडियो में मैंने पूरे कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना और इसे शेयर करना और इसे सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी देना। थैंक यू।